नमस्कार, मैं हूं रोहित कुमार, आप News4Nation देख रहे हैं। बिहार में पोल ऑफ पोल्स क्या कह रहा है, बिहार में बन रही है किसकी सरकार, तो मेरे पीछे तमाम टीवी चैनल्स के स्क्रीन और यहां पर सी वोटर के साथ साथ तमाम जितने भी एग्जिट पोल हैं, नीलसन के तमाम जो एग्जिट पोल हैं वो अब सामने आ चुके हैं। सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं इंडिया टीवी से और यहाँ पर इंडिया टीवी कह रहा है कि बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार बनती नजर आ रही है। 120 सीटों पर सबसे बड़ा गठबंधन, आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है यहाँ पर। एनडीए खाते में सिर्फ 116 सीटें आती दिख रही हैं। नीतीश कुमार की विदाई इंडिया टीवी के सर्वे में नजर आ रहा है। जो इंडिया टीवी ने सर्वे किया है उसमें महागठबंधन को 120 सीटें जबकि एनडीए गठबंधन को सिर्फ 116, जिसमें बीजेपी सबसे बड़ा दल है अगर बात करें एनडीए गठबंधन की तो उसकी। अब आ रहे हैं एबीपी न्यूज पर, एबीपी न्यूज का जो सर्वे है उसकी बात करें तो बिहार में महागठबंधन जो है उसको 108 से 130 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है और सब 31 माफ कीजिएगा, और जदयू गठबंधन जो है यानी कि बीजेपी जदयू गठबंधन जो है उसको ये जो सीटें मिलने का अनुमान है वो सीटें 104 से 128 है। यहाँ पर सरकार किसी की बन सकती है अगर इस चैनल की बात करें तो, यानी कि एबीपी न्यूज़ की बात करें तो यहाँ पर सरकार किसी की भी बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि यहाँ पर भी बढ़त जो है वो आरजेडी को है और आरजेडी सबसे बड़े दल के तौर पर और यहाँ पर उसके खाते में जो है 81 से 89 सीटें आती दिख रही हैं, जबकि बीजेपी दूसरे नंबर पर रहेगी 66 से 74% सीटों के साथ में। तीन नंबर पर हो गई है सत्ता में काबिज जदयू 38 से 46% सीटों के साथ में। कांग्रेस चार नंबर पर 21 से 29 सीटें और लेफ्ट पार्टियों के खाते में आ सकती हैं 6 से 13, हम के खाते में 4 सीटें आ सकती हैं। ये है TV9 भारतवर्ष की बात कर लें, एनडीए को 110 से 120 सीटें, महागठबंधन को 115 से 125, यानी कि सरकार यहां पर भी महागठबंधन तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनना एग्जिट पोल में तय लग रहा है। आर भारत की अगर बात करें तो यहां पर आ रहे हैं और यहां पर आर भारत की बात कर लें, जो महागठबंधन है 118 से 138 यहां पर भी सरकार बनती नजर आ रही है तेजस्वी यादव की। नीतीश कुमार यहां पर भी पिछड़ते नजर आ रहे हैं 91 से 117 सीटें और यहां पर जो जादुई आंकड़ा है उसे 5 सीटें, जगह मैक्सिमम नंबर भी आता है तो 5 सीटें कम होती हैं और 5 सीटें आएंगी कहां से सरकार बनाने के लिए, तो अदर्श पर जाना पड़ सकता है और अदर्श में कौन है, चिराग पासवान को अभी तक जितनी स्क्रीन पर हम आए सिर्फ 1 सीट आती नजर आ रही है सभी के सर्वे में। आज तक पर आ रहे हैं बिहार चुनाव में, आज तक की अगर बात कर लें तो एग्जिट पोल थोड़ी देर में आने वाला है लेकिन आप कमोबेश ही मान के चले कि ऑलमोस्ट यही एग्जिट पोल तमाम जगहों पर आने वाला है। और यहां पर जो ईटीवी बिहार, जो न्यूज 18 बिहार झारखंड है उसकी बात कर ले तो यहां पर बीजेपी जदयू गठबंधन को 116 सीटें जो कि इंडिया टीवी ने दिया है, 120 महागठबंधन को 7 खात जो है आदर्श में, जिसमें चिराग पासवान की लोजपा को सिर्फ 1 सीट आती नजर आ रही है। ये तस्वीर है जो सामने आ रहा है। तो बिहार में एक तरीके से जो पूरा एग्जिट पोल सामने आया है, सी वोटर से लेकर के टुडे चाणक्य की बात कर लें, जन की बात कर लें, तमाम जो एग्जिट पोल सामने आए हैं उसमें बिहार में तेजस्वी यादव जो है कामयाब लग रहे हैं नीतीश कुमार को रिप्लेस करने में। 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी यानी कि नीतीश कुमार से जो नाराजगी वाली जो खबरें सामने आ रही थी वो एग्जिट पोल में नजर आया और ये लग रहा है कि अब जो 10 तारीख को जो चुनावी नतीजे होंगे उसमें बिहार में सत्ता परिवर्तन की जो अंदर जो 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 भीड़ नजर आ रही थी तेजस्वी यादव की जो सभाएं थी उसमें, उससे लग रहा है कि तेजस्वी यादव जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री बनते नजर आ रहे हैं और 15 साल बाद फिर से लालू परिवार से कोई मुख्यमंत्री बनेगा ये एग्जिट पोल कह रहा है। फिलहाल इतना ही, महापोल था ये तमाम टीवी चैनल्स के आधार पर जो कि एग्जिट पोल अलग अलग जो संस्थाएं हैं उसके हिसाब से जो की गई और उसका जो एक निचोड़ है वो यही है कि नीतीश कुमार की जदयू जो है 115 से 120 सीट तक रह सकती है जबकि तेजस्वी यादव की अगुवाई वाली जो महागठबंधन जो है बिहार में वो सत्ता के सबसे पास और 120 से 130 के आसपास में रहने का अनुमान लगाया गया है। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए News4Nation। नमस्कार।